नोटबंदी की वजह से जनता की परेशानी बदस्तूर जारी है। आज भी दिल्ली से लेकर मुंबई तक लोग पैसे के लिए लंबी लंबी लाइनों में नजर आए। कई जगहों पर एटीएम ने कैश देने से मना कर दिया। जो लोग दिसंबर की पहली तारीख को भीड़ की वजह से बेवजह तनख्वाह नहीं निकाल पाए थे, उन लोगों ने सुबह सुबह बड़ी उम्मीद से एटीएम का रुख किया था, लेकिन आज भी मायूसी उनका इंतजार कर रही थी। ये सुबह करीब 9:45 बजे की कनॉट प्लेस इलाके की एक एटीएम की तस्वीर है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कहीं नो कैश का पर्चा चिपका दिखा तो कहीं एटीएम आउट ऑफ सर्विस दिखी। मैं 2-3 एटीएम ट्राई करके आ चुका हूँ। क्या कैश नहीं है? हाँ, नो कैश लिख रहे हैं उसको। चलिए, यहाँ लाइन लंबी है, क्या वजह है? लाइन लंबी है, लाइन में क्या नाम है, पैसे नहीं है, 4-5 जगह घूम गया, कहीं पैसे नहीं मिल रहे कहीं भी। अब यहाँ के लगे में देखो क्या होता है। चलिए बताइए, कितने एटीएम घूम के आया? कम से कम 6 एटीएम में घूम के आया हूँ, किसी में भी कैश नहीं है। खास तौर पर कामकाजी लोगों के लिए ये बेहद मुश्किल स्थिति है, जो एटीएम या बैंक से पैसा निकालते हुए दफ्तर जाना चाहते हैं, लेकिन नो कैश और भीड़ के झमेले में फंस जाते हैं। हर किसी को कैश चाहिए, लेकिन बैंक के पास कैश नहीं है। सरकार ने जितनी सीमा तय की है कैश की, उतनी तो आप भूल जाइए, उसका आधा भी या चौथाई भी मिल जाए तो भी लोग संतुष्ट हो जाए, लेकिन वो भी फिलहाल नसीब नहीं हो रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के बाहर भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। सुबह से लोग यही शिकायत करते नजर आए कि बैंक में कैश नहीं है। बोल रहे हैं कैश खत्म 20 नंबर तक। मैं 41 खड़ी हूँ, इसके बाद उनके पास कैश ही नहीं है। वो कह रहे हैं 10 से नीचे जो लेंगे उनके लिए है। ऑफिस में बॉस छुट्टी नहीं देता और यहाँ खड़े होके पैसे पूरे नहीं मिलते, क्या करेगा आदमी बताइए। भूखे 4 रोटी की है, हमें 1 रोटी मिलेगा तो डेली लगना पड़ेगा लाइन में, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। नवाबों के शहर लखनऊ में स्थिति कुछ सुलझी हुई नजर आई। यहाँ 80% एटीएम से पैसे निकल रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर एटीएम से 2000 के नोट निकल रहे हैं। ऐसे में जिन एटीएम से 500 और 100 के नोट निकल रहे हैं, वहाँ लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। लखनऊ के लोग बेशक किस्मत वाले हैं, मुंबई के जोगेश्वरी का हाल देखिए। वेस्टर्न एक्सप्रेस वे और रेलवे स्टेशन के बीच एक कतार से 7 एटीएम हैं। सुबह इनमें से कोई काम नहीं कर रहा था। जोगेश्वरी इलाके के ही दूसरे एटीएम पे आए हैं। ये एटीएम जैसा आप देख सकते हैं, एटीएम तो बंद है। यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं बैंक, क्योंकि बगल में ही है, उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि एटीएम में रिकैलिब्रेशन हो चुका है। कल तक भी यहाँ से 500 और 2000 के नोट निकाले जा रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी कैश नहीं है इस वजह से ये एटीएम बंद है। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि हालात अभी सुधरे नहीं हैं। लखनऊ से बालकृष्ण और मुंबई से विद्या के साथ कपिल शर्मा और अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। वहां सरकार पर हमला बोलने में आज फिर राहुल गांधी फ्रंट फुट पर नजर आए। पहली बार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी अपनी ही छवि में कैद होकर रह गए हैं और वो टीआरपी की राजनीति करते हैं। सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से पहली बार राहुल गांधी को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता करने का मौका मिला था। मौके पर उन्होंने भरपूर चौका जड़ा, पीएम नरेंद्र मोदी पर चुन चुन कर हमला किया। नोटबंदी पर पीएम को निशाने पर लेने के बाद राहुल ने नगरोटा हमले के संदर्भ में सर्जिकल स्ट्राइक पर हमला बोला। We were told that the idea behind the strikes was to stop Pakistan from cross-border attacks. There have been 21 major attacks and hundreds of ceasefire violations since the surgical strikes. The defense minister said in Goa, our response to the attacks was strong. Day before yesterday we got a call from them. Pleading us to stop the retaliation. 2 days later, terrorists walked into the most highly defended army base in Jammu, straight into the officers' mess, and murdered our officers and men in cold blood. राहुल का वार करारा था,
कांग्रेस को यह अंदाज पसंद आया, लेकिन सत्ता पक्ष ने साफ कह दिया कि वो राहुल को गंभीरता से नहीं लेते। राहुल जी hasn't said anything which is wrong. Everybody knows in this country what has been going on, what government is doing. On everything they want to take extra publicity, overdoing. And that's why everything, every step which they are doing turns out to be very unpopular amongst the people. And people are suffering because of that. आज जब भारत ईमानदारी की ओर बढ़ रहा है, तो क्या वो चाहते हैं कि उस समय जो उनके हैं 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमन घोटाला होता था, वो टीआरपी के लिए था क्या? ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी? आज जब देश को ईमानदार करने की कोशिश की जा रही है, देश को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे मालूम है कि राहुल गांधी परेशान है। मंत्रियों के इन बयानों से साफ है कि सरकार राहुल के बयानों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतना साफ है कि कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर बदलाव की अटकलों के बीच पार्टी उपाध्यक्ष सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। इंडिया 360 में आप खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के एक टोल प्लाजा पर आर्मी की तैनाती पर जबरदस्त सियासत जारी है। सीएम ममता बनर्जी आखिर क्यों नाराज है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। मोटिव इज पॉलिटिकल, मोटिव इज विंडिक्टिव, मोटिव इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मोटिव इज अनएथिकल, मोटिव इज अनडेमोक्रेटिक। इलेक्टेड गवर्नमेंट, आमी एखाने जानते चाहिए एखाने की मिलिटरी कू होचे। क्या कोलकाता की सड़कों पर फौज की मौजूदगी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गलत बयानी कर रही हैं? ममता के आरोपों के जवाब में फौज ने 8 चिट्ठियां जारी की हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इन चिट्ठियों को देख सकते हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि सेना के इस अभ्यास को लेकर पश्चिम बंगाल की पुलिस को सेना की तरफ से लगातार सूचना भेजी जा रही थी। दिस इज अ एनुअल एक्सरसाइज कैरिड आउट एवरी ईयर। आई हैव ऑलरेडी सेड दिस इज अ बेसलेस एंड इफ anybody has got any proof on that, it is for the investigation agency to prove that point. We deny this charge with all contempt. सेना के मुताबिक 8 चिट्ठियां भेजी गई थी। ये चिट्ठियां पश्चिम बंगाल पुलिस समेत उन तमाम सरकारी एजेंसियों को भेजी गई थी जो इससे संबद्ध हो सकते थे, यानी सेना सूबे की सभी जरूरी एजेंसियों को लूप में लेकर चल रही थी। इन्हीं में से एक चिट्ठी का जवाब देते हुए कोलकाता पुलिस के एडिशनल कमिश्नर सुप्रतिम सरकार ने कर्नल सुरेंद्र महानी को ये जवाब दिया था। 25 नवंबर को सुप्रतिम सरकार ने अपनी चिट्ठी में कहा था कि ट्रैफिक और सुरक्षा वजहों से सचिवालय के करीब नबन्ना के पास अभ्यास ना किया जाए। 26 नवंबर को महानी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि सेना के लिए ये जरूरी अभ्यास है, इसे करना जरूरी है, सेना इस बात का ख्याल रखेगी कि ट्रैफिक बाधित ना हो। सेना के मुताबिक आखिरकार खास जगहों को लेकर मतभेद दूर करने के लिए 27 नवंबर को सेना और पुलिस ने साझा रेकी भी की। सेना के मुताबिक इस तरह के अभ्यास यूपी, बिहार और झारखंड में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच हो चुका है। पश्चिम बंगाल में यह अभ्यास पहले 28, 29, 30 नवंबर को होने वाला था, लेकिन भारत बंद की वजह से कोलकाता पुलिस ने इन तारीखों पर आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसके बाद तारीख को बदलकर 1 और 2 दिसंबर कर दिया गया था। साफ है सेना के मुताबिक अभ्यास को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस और वहां की सरकारी एजेंसियों को कतई अंधेरे में नहीं रखा गया था। तो क्या सियासी लाभ के लिए ममता बनर्जी ने बिना बात का मुद्दा बना लिया? मनोज्ञा लोहिवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। अब ममता बनर्जी का कहना है कि वो लीगल एक्शन भी इस मामले में लेने वाली। इंडिया 360 में अब आपको बताते हैं कि पटना में आज क्या हुआ। बेहद अजीबोगरीब नजारा वहां दिखाई दिया। बिहार बीजेपी के नव नियुक्त अध्यक्ष नित्यानंद राय दिल्ली से पटना आ रहे थे। उनके स्वागत में बड़ी तादाद में समर्थक घोड़े पर सवार होकर पटना एयरपोर्ट पहुंच गए। जब तक नित्यानंद राय पटना नहीं पहुंचे, हवाई अड्डा रेस कोर्स में तब्दील नजर आया। हाथों में बीजेपी का झंडा लिए राय के समर्थक घुड़सवारी करते नजर आए। पटना एयरपोर्ट के निदेशक राजेंद्र सिंह लोहारिया के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को घोड़ा लाने की अनुमति नहीं दी गई थी।
आज के लिए इंडिया 360 में बस इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।